प्रिय किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सीमा का जवान और खेत का किसान आपका प्रिय सूबेदार जगदीश सिंह चौहान की राम राम। दोस्तों, आज हम आए हैं मोबिन खान साहब, जो कि बहादुरगढ़ कस्बे के रहने वाले, जिला हापुड़ में जो ये पड़ता है, उनके क्रेशर पर। उन्होंने अपने खेत में शुक्लाई, जो कि गन्ने के रस में लगाई जाती है, जिससे कि गुड़ तैयार होता है। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं शुक्लाई के बारे में। मोबिन भाई, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने एक परिचय दीजिए। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोबिन खान वल्द यामीन खान, गांव बहादुरगढ़, जिला हापुड़। मोबिन भाई, जैसा कि आपका क्रेशर चल रहा है और आपने ये शुक्लाई, जिसका लासा बनाकर उबलते हुए रस में डाला जाता है जी, और उससे जो है इसकी मैल फट जाता है और मैल को उतारा जाता है जी, तो ये आपने जो ये शुक्लाई का जो खेत में लगाया है, ये लगभग कितने एरिया में है? ये तकरीबन 1.5 बीघे बो रखी है। आपने 1.5 बीघे बो रखी है। बहुत से जो किसान भाई है जिन्होंने क्रेशर लगा रखा है, वो बाजार से खरीद कर लाते हैं तो काफी महंगा पड़ता होगा, तभी आपने जो है अपनी जमीन में इस शुक्लाई आपने तैयार की। तो इसको तैयार करने के लिए आपने इसको अब से कितने महीने पहले इसको जो आपने बोया होगा? इसको मैंने जो है सितंबर में बोया था, 5 तारीख को। 5 सितंबर को आपने बोया था और आज जो है 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर है, यानी कि लगभग जो है 1 महीना और 20 दिन। अच्छा, तो इसको बोने में आपका कितना खर्चा आया? इसको तो बहुत कम खर्चे में काम हो जाता है इसका। अच्छा, तो अगर आप बाजार से इसको खरीदना चाहते हैं तो कितने रुपए किलो मिलती है ये? ये देखो, समय के हिसाब से मिलती है जी। जैसे अब ये शुरू का समय चल रहा है अक्टूबर का, हाँ जी, तो इस टाइम तो ये मिल जाती है 10 रुपए किलो 12 रुपए किलो। अच्छा, और कई बार ऐसा होता है जैसे जाड़ों में सर्दी में बर्फ ज्यादा पड़ती है जी, तो इसकी फसल को बर्फ से ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो है हमने 300-300 रुपए किलो की भी लेके लगाई है। अच्छा जी, तो उसमें काफी खर्चा आ जाता है। हाँ, उसमें काफी खर्चा आ जाता है। तो मोबिन भाई, आपने ये सब सोचकर अपने ही खेत में, अपने ही क्रेशर के पास में आपने शुक्लाई भी तैयार कर ली जी, तो ये सब आपके काम आ जाएगी या आपको जो किसान भाई जो दूसरे क्रेशर चला रहे हैं तो उनको भी आप जो है सप्लाई कर देते हैं? एक क्रेशर वाले को 1 बीघे सप्लाई 1 सीजन के लिए बहुत होती है। बहुत होती है जी। तो आपने जो है 1.5 बीघे ये बोया हुआ है, हाँ, तो आप आधा बीघा लगभग जो है, हाँ, आप सप्लाई जो सेल कर देते हैं? हाँ, अपने दोस्तों को दे दूंगा। दे देंगे? तो जैसे कि आधा बीघा आप हर साल बोते हैं, 15 साल से आप काम करते आ रहे हैं, तो आधा बीघे में आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है इससे? ये अगर देखो, शुक्लाई को अगर आप जो बोते हैं पिछाई वैरायटी में जी, तो ये तकरीबन जनवरी के बाद में शुक्लाई बिकती है 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। अच्छा, 300 रुपए किलो तक भी बिक जाती है जी। तो उस टाइम की तो देखो अंदाजा नहीं हो पाता कि कितनी आमदनी हो जाती है। नॉर्मल 15 से 20 हजार रुपए बीघा की आमदनी उसमें हो जाती है। अच्छा, तो जो अगेती फसल बोते हैं जी, उसमें कितना फायदा होता है? उसमें एक फायदा तो सबसे बड़ा ये होता है कि एक तो आपकी शुक्लाई हो जाती है। अच्छा, और उसके बाद उसको आप निकालने के बाद गेहूं बो लेते हैं। हाँ, तो हम जो दूसरी फसल तैयार हो जाती है ले लेंगे। हाँ, और अगर आप पिछेती अगर हम बोएंगे तो हमको दूसरी फसल नहीं मिल पाएगी। अच्छा, और बहुत कम खर्चे में, इसमें सिर्फ कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 2 पानी लगते हैं पूरे फसल तैयार होने में। सिर्फ 2 पानी लगते हैं? 2 पानी लगते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, ये पेड़ तो अभी बहुत छोटे हैं जी, तो ये तो काफी मोटे हो जाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं। हाँ, तो इसको अब परिपक्व कब होते हैं, जो कि हम काटने के और उसको लहसा बनाने के काम में जब लिया जाए तो कितने बड़े, कितने दिन के होने चाहिए पेड़, कितने महीने? ये जो है कम से कम 3 महीने की फसल है। अच्छा, हाँ, 3 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है। यानी कि सितंबर में आपने इसको बोया जी, सितंबर पूरा हो गया, अक्टूबर और नवंबर में ये तैयार हो जाएगी। नवंबर में तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो क्रेशर चलेंगे
नहीं उसको तैयार तो आप 3 महीने में, जैसे आप अगर आप ये आमदनी करना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं तो इसे 3 महीने के बाद उखाड़ के आप दूसरी फसल बो सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपने लिए, जैसे मैंने अपने लिए बोई है तो मैं तो इसको जो है रोक लूंगा, ये 2-3 महीने तक भी रुक जाती है। अगर जैसे मानो आपने 3 महीने की फसल है, अगर हम इसे 2 महीने और रोकना चाहें तो ये रुक जाएगी 2 महीने। अच्छा, अब मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो सुकलाई का जो बीज है ये आप हाइब्रिड है या कहाँ से आप इसको मंगा रहे हैं? ये तो बीज सियाना तहसील में जो है ना जी, वहाँ दुकान पे मिल जाता है। अच्छा, ये जो है सिर्फ इसकी जो पहचान है वो जो आप अच्छी क्वालिटी जो होती है इसकी, ये लाल डंडी कहलाती है। लाल डंडी जी, मतलब इसका जो ये तना जो है लाल होना, ये लाल होना चाहिए। हाँ, ये अच्छी क्वालिटी की जो है, अच्छी पहचान है। और ये कितना मोटा हो जाता है, लगभग कितने सेंटीमीटर का जो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी मोटी हो जाती है? ये तो पैदावार के ऊपर बात है, अगर आपका बीज अगर सही, अच्छा बीज है और सही जमा है जी, तो वो ज्यादा मोटा नहीं हो पाएगा। और अच्छा, जो अगर जैसे आपका बीज अच्छा नहीं मिल पाया जी, कई बार ऐसा होता है कि बीज खराब निकल जाता है और वो जो है कम जमता है, तो वो काफी मोटा हो जाता है, 5-5 किलो का भी पेड़ हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, यानी कि जो जितना छीदा होगा उतना ही जो है पेड़ मोटा होगा, और जितना आप गिनका मतलब ज्यादा मतलब पौधे बनेंगे उतना ही ये पतला रह जाएगा, पतला रह जाएगा। तो हमको थोड़ा छीदा ही मतलब कम उस बोना चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल मोटी भी हो। नहीं नहीं, ज्यादा मोटा की कोई इसमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जितना मोटा होगा इतना ही फिर जो है सप्लाई करने में परेशानी होती है, सप्लाई करने में परेशानी। हाँ, नॉर्मल जो रहेगा तो उसकी सप्लाई अच्छी होगी। तो इसका लाचा बहुत अच्छा बन जाता है, इसका लाचा जो कारीगर हैं गुड़ बनाने वाले वो इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो वही आपको बताते होंगे कि भाई ये वाला जो है आप बोइए या ये वाली सप्लाई आप लाइए, जिससे कि मेरा नाम भी बदनाम ना हो, सब मेरे नाम से प्रतीक्षा करें और जो आपका गुड़ अच्छा मार्केट में। अब इसको जो लाचा बनाते हैं उसकी भी थोड़ी सी एक प्रक्रिया बता दें कि किस तरीके से इसका लाचा बनता है। इसका लाचा पहले तो आप इसको जो है किसी चीज पे आप थोड़ा इसे कूट लें हल्का करके। अच्छा, और उसको फिर इसको पानी में पानी में इसको रगड़े रगड़ तो उसका लाचा तैयार हो जाए, उसका जो है लाचा तैयार हो जाए। जैसे एलोवेरा का लाचा तैयार होता है इसी तरीके से ये भी तैयार हो जाता है। किसान साथियों, अभी अभी आपने मोबिन भाई को सुना और उनसे जो सुकलाई जो कि गन्ने के रस में लगाकर और गुड़ तैयार किया जाता है उसके बारे में जानकारी ली है। तो उनकी दी गई जानकारी और हमारी कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी वाले बटन को भी दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।